हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैम्बोर्गिनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। हर इंसान को आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए कोई ना कोई रीजन जरूर चाहिए होता है। फेरुचो लैम्बोर्गिनी ने फेरारी के ओनर से बदला लेने के लिए अपनी ही एक कार कंपनी बना दी, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर कार कंपनीज में से एक है। लैम्बोर्गिनी आज के टाइम पे कितनी फेमस है ये बोलने की जरूरत नहीं है। बट आइए जानते हैं ये इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई और इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। फेरुचो लैम्बोर्गिनी अपने बचपन में किसी खास रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इन्होंने अपनी सिंपल लाइफ को इतनी इंटरेस्टिंग अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से बनाई। फेरुचो लैम्बोर्गिनी का बर्थ 28 अप्रैल 1916 में इटली के एक सेंट्रो सिटी में हुआ था। इनके फादर का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो अपनी जिंदगी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी करते थे और इससे ही वो अपनी फैमिली का भी देखभाल करते थे। फेरुचो को बचपन से ही मैकेनिक्स के काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था और उन्हें मशीन्स पे भी काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। फेरुचो ने अपनी फर्दर स्टडीज भी इसी फील्ड में की। उन्हें स्टार्टिंग से ही कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनके पास बहुत सारी कार्स हो, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये शौक बचपन में पूरा नहीं हो पाया। बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपनी पूरी डेडिकेशन और हार्डवर्क से अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। फेरुचो ने अपनी स्टडीज पूरी होने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया एज अ मैकेनिकल सुपरवाइजर इन वर्ल्ड वॉर 1। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, वो अपने सिटी वापस आ गए और अपने कार्स के इंटरेस्ट को समझते हुए उन्होंने अपना एक गैराज खोल लिया। फेरुचो के कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने और अपने काम में डेडिकेशन की वजह से उनका गैराज काफी ग्रो करने लगा। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इटली में बहुत बुरे हालात थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खेती बाड़ी पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और उस टाइम ट्रैक्टर्स की नीड भी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से फेरुचो ने 1948 में ट्रैक्टर्स की कंपनी ओपन करी और धीरे धीरे उनके ट्रैक्टर्स की सेल होने लगी और शॉर्ट टाइम में ही उनकी कंपनी इटली में काफी फेमस होने लगी थी। बढ़ती डिमांड और स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर्स बनाने की वजह से फेरुचो की ट्रैक्टर्स लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गई। जब उन्होंने ट्रैक्टर कंपनी से अच्छे पैसे अर्न कर लिए, तब उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने 1959 में उन्होंने ये कंपनी भी स्टार्ट कर ली और जल्द ही ये कंपनी भी अच्छा बिजनेस करने लगी। लैम्बोर्गिनी इन बिजनेस में एक बड़ा नाम बन गए थे। फेरुचो लैम्बोर्गिनी को स्टार्टिंग से ही कार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने धीरे धीरे कार्स भी खरीदनी स्टार्ट कर दी और जब उनका काम काफी अच्छा चल रहा था और उनके पास पैसे भी काफी अच्छे खासे हो गए थे, तब उन्होंने अपनी फेवरेट कार फेरारी 250 खरीदी, जिसका मॉडल उन्हें काफी ज्यादा पसंद था। अपनी खरीदी हुई कार फेरारी में वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते ही रहते थे। बट एक दिन उन्हें अपनी फेरारी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम फील हुई, फिर उन्हें फेरारी के क्लच में भी कुछ प्रॉब्लम लगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और ना जाए, डायरेक्ट फेरारी के ओनर एंजो फेरारी से मिले और उनसे इस बारे में बात करने चले गए। एंजो फेरारी से जब मिलकर फेरारी कार से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करी, तो फेरारी के जवाब से उन्हें इतनी इंसल्ट फील हुई कि उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया। एंजो फेरारी को लैम्बोर्गिनी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वो आके उनकी मैन्युफैक्चर की हुई कार के बारे में बुराई करें, और एंजो फेरारी ने गुस्से में फेरुचो को कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो और फेरारी हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस यही बात फेरुचो लैम्बोर्गिनी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने खुद की कार कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन किया, ताकि वो फेरारी को बता सके कि उन्हें कार्स की कितनी समझ है। लैम्बोर्गिनी ने इटली के एक छोटे से सिटी अगाता में ऑटो फैक्ट्री स्टार्ट करी। इसके लिए उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, बिकॉज उस टाइम उनकी कंपनी थोड़े लॉस में चल रही थी, बट उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर सेल करके इसको स्टार्ट किया। फिर 1964 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी फर्स्ट कार 350 GT मॉडल को लॉन्च किया। लैम्बोर्गिनी कंपनी की कार लोगों की नजरों में तब आई जब 1966 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा लॉन्च हुई। इस कार की हाई परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने इसे खूब पसंद किया और इसकी बढ़ती सेल्स के बाद लैम्बोर्गिनी ग्रो करती चली गई और आज ये कार फेरारी तो क्या हर कार को टफ कॉम्पिटिशन दे सकती है। मोस्ट सेलिंग सुपर कार्स की कैटेगरी में लैम्बोर्गिनी की कुछ कार्स हैं, लाइक लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, गलाडो, मर्सिलैगो, एवेंटर और हुराकन। तो आपको लैम्बोर्गिनी और फेरारी किस कंपनी की कार ज्यादा पसंद है, आप कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।